तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि मेडिकल रिपोर्ट की प्रक्रिया जो कंप्लीट हो चुकी है। 24 नवंबर तक एसएससी को भेज दी जाएगी रिपोर्ट, जो जितने सीआरपीएफ आप सभी को पता है इसकी नोडल एजेंसी है, उसने जो मेडिकल कंडक्ट करवाए ठीक है जितना सब कुछ, और 24 नवंबर के बाद नियुक्ति पत्र मिल जाने की उम्मीद बढ़ी भाई। तो अमर उजाला का जी दोस्तों इस आज आर्टिकल छपा है ठीक है, आज जैसे आज 18 तारीख है, 18 ठीक है 18 नवंबर को। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आप जैसे डेट देख रहे हो, अपडेट 18 नवंबर 2020 3:47 पे यही है। दोस्तों पूरी हम न्यूज़ आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है सब कुछ पढ़ के सुनाएंगे आपको, बिल्कुल ईजिली और डिटेल के साथ सिंपल लैंग्वेज में ठीक है। इसका क्या मीनिंग है मैंने इसको डिटेल पूरी पढ़ ली है दोस्तों, मगर सिंपल बात की नहीं भाई। इसमें देखो एसएससी जीडी 2018 के लिए जारी केंद्रीय और सैन्य बलों में भर्ती होने के लिए परेशान हज़ारों आवेदकों के लिए खुशखबरी है। जितने भी हमारे भाई हैं जो दिल्ली में जाकर जिन्होंने मेहनत की दोस्तों, फाइनली वो रंग ला रही है भाई। तो सभी को जितनी जल्दी हो सकता है आवेदक जितने भी है कैंडिडेट्स सभी को जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी भाई। ऐसा एक इसके रिलेटेड आर्टिकल छपा हुआ ठीक है। देखिए इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई, सीआरपीएफ के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि अब जल्द ही नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो भाई सभी के लिए ये बहुत ही मैं बड़ी न्यूज़ मानता हूँ ठीक है भाई। आप भी जानते हो कि काफ़ी लंबे समय से हमारे भाई काफ़ी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ठीक है। तो फाइनली एक सीआरपीएफ की तरफ से जो उनकी नोडल एजेंसी है ठीक है, जो भर्ती कंडक्ट करवाएगी ठीक है, जिसने कंप्लीट करवा दी अब सब कुछ करवा दिया ठीक है, 24 नवंबर को वो एसएससी को हैंड ओवर कर देगी पूरा रिजल्ट, जो भी प्रोसेस पूरा मेडिकल का था ठीक है दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट थे सब कुछ भाई ठीक है। आवेदकों का कहना है कि 3 साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी, जिन मेडिकल हो चुका है उन्हें बिना किसी देरी से नियुक्ति पत्र दिए जाए। एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह जी का कहना था कि केंद्र सरकार ने तो करीब 60,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, इसके लिए लाखों युवाओं ने आवेदन कर दिया था, अब 85,000 आवेदकों की मेडिकल प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सभी को बता रणवीर सर ने हमारे लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ठीक है, हर एक बच्चे को जो जो कैंडिडेट्स हैं सभी को ज्वाइनिंग मिल जाए दोस्तों। उसके रिलेटेड उन्होंने सर ने बताया कि जो 85,000 लगभग मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं उन सभी को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि इस वैकेंसी जो लगभग अभी भी 1 लाख प्लस जो आपकी वैकेंसी वीकेंट पड़ी है खाली पड़ी है ठीक है दोस्तों। तो भाई आप सभी को जो जो कैंडिडेट्स मेडिकल पास आप सभी को उनको ज्वाइनिंग दी जाए दोस्तों। तो भाई काफ़ी बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है ठीक है दोस्तों हमारे लिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो भी बताएंगे दोस्तों, लेकिन भाई आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें यार, अच्छी लग रही है तो भाई ठीक है। हालांकि ये काम एसएससी का कहना है, लेकिन हमारी तरफ से 24 नवंबर तक आवेदकों की मेडिकल समीक्षा करने की काम पूरा कर लिया जाएगा, उसके तुरंत बाद एसएससी को फाइनल रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक। ये बात हमारी जानकारी में है कि एसएससी जीडी 2018 के आवेदक नियुक्ति न मिलने को लेकर परेशान है, बहुत से आवेदक इस संबंध में दिल्ली भी गए थे ठीक है। इसी नियुक्ति को लेकर कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से वल मुख्यालय को ज्ञापन जो आप सभी को बताई मेमोरेंडम सौंपा गया था हम सबकी ज्वाइनिंग के लिए ठीक है दोस्तों। जो आप सभी जो भाई हमारे गए थे ठीक है दिल्ली में 12 नवंबर को ठीक है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ये बताया हुआ कि जो भाई गए थे जो काफ़ी हमारे भाई परेशान है कि ज्वाइनिंग को ना मिलने को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है आप सभी को पता लगभग 3 साल भाई कंप्लीट होने हो चुके हैं अब ठीक है, हमारे रिटर्न को कंप्लीट हुए तो भाई काफ़ी लंबा प्रोसेस हो चुका है, काफ़ी हमारे भाइयों की एज कंप्लीट हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है ठीक है। तो इसके कारण एक मेमोरेंडम सौंपा गया था वहाँ पे ठीक है कि हर एक बच्चे को ज्वाइनिंग मिल जाए जो भाई हमारा मेडिकल पास होता जाता है ठीक है दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है भाई हमारे लिए सभी के लिए, जो जो हमारे भाई हमारा पास है मेडिकल फिट है भी, तो भाई सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी इस बार दोस्तों, डेफिनेट वैकेंसी इंक्रीज़ होगी जितनी जल्दी हो सकता है दोस्तों। ऐसे एसएससी जैसे सीआरपीएफ एसएससी को हैंड ओवर करती है पूरा डॉक्यूमेंट, तो उसके तुरंत अब मान के चलो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप सभी को एक लिस्ट निकाल दी जाए और सभी को ज्वाइनिंग करवा दी जाए दोस्तों ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी दोस्तों बड़ी न्यूज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, ये भर्ती 2018 में निकाली गई थी ये आप सभी को पता ठीक है, तो उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ रिटर्न हुआ सब कुछ हुआ, देन कोविड-19 आ गया, तो जो मेडिकल की टीम थी जो हमारा मेडिकल कंडक्ट करवा रही थी ठीक है बोर्ड, तो उन सबको वहाँ पे लगा दिया कोविड-19 पे। आप सभी को पता है कि काफ़ी पेशेंट डे बाय डे निकल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग में जितने भी डॉक्टर्स थे सभी की ड्यूटी वहाँ से हटाकर वहाँ पे सेंटरों में लगा दी गई, तो दोस्तों इसके कारण जो था मेडिकल आरईएमई का प्रोसेस डिले हुआ ठीक है, अदरवाइज़ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता उसकी रिकॉर्डिंग में डिले हुआ और कुछ नहीं है भाई, इसमें सिंपल यही बताया गया है ठीक है। इसमें भाई ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, जो जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ठीक है दोस्तों।
बाकी मैंने इसके रिलेटेड सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वहीं हम नेक्स्ट बात की, आवेदकों का कहना है कि रिजल्ट में देरी के चलते अब किसी दूसरी परीक्षा के लिए आज निकल चुकी है। जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया, बहुत से हमारे भाई हैं जिनकी एज कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट भर्ती के लिए जैसे 2021 में SSC की भर्ती आएगी, ठीक है, उसके रिलेटेड ऑलरेडी नोटिफिकेशन आई हुई है, तो भाई वो देखने के लिए भाई काफ़ी की एज कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भाई हमारे नेक्स्ट भर्ती नहीं देख सकते। उसके अकॉर्डिंग ही बताएगी कि जितनी जल्दी हो सके हर एक बच्चे को, हमारे भाई को ज्वाइनिंग दी जाए। दोस्तों तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, और चैनल को फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की दोस्तों जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आप तक पहुँचेगी मेरे चैनल के थ्रू, ठीक है। दोस्तों जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।